हेलो एवरीवन, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी सीरीज जो कि चल रही है। 1920 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम और इसमें अब तक जो कंप्लीट हो चुका है, इसमें जो अब तक कंप्लीट हो चुका है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल अफेयर्स और मैथमेटिक्स रीजनिंग की तीनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन जिन बच्चों ने भी ये यूनिट नहीं देखी है वो जाकर इसको देख लें, काफी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इंग्लिश का है आज का यूनिट। शी इज नॉट एफिशिएंट एज ही इज, इसमें क्या आएगा? दैट आएगा, सो आएगा, एज आएगा या एज मच आएगा, बताइए। तो इसमें जो आएगा 76 का है राइट आंसर बी। So, she is not so efficient as he is. Clear? चलिए next देखते हैं। I as bright as my younger brother. तो 77 का है option number D, were. ठीक है, I wish I were as bright as my younger brother. Clear? 78 question. Of my earned leave, इसमें क्या आएगा? Availed, available myself, या फिर availed myself, या फिर availed. तो इसमें आ जाएगा 78 का है राइट आंसर सी, availed myself. ठीक है, क्या आ जाएगा? Availed myself. राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। टू एंड इन फियास्को मींस, इसका क्या मींस है? टू एंड इन फियास्को, टू सक्सीड, इन कंफ्यूजन, इन कंप्लीट फेल्योर या इन एक्रिमेनियस डिबेट, एक्रीमोनियस डिबेट। तो इसमें आ जाएगा 79 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। टू एंड इन फियास्को का मीन्स होता है इन कंप्लीट फेल्योर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 80। यू शुड ट्राई टू योर एक्सपेंसेस, क्या आएगा इसमें? कट ऑफ, इसमें ये टी है, ये टी है, कट ऑफ या फिर कट डाउन या फिर कट आउट या फिर कट अंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कट डाउन। क्लियर? क्या है? कट डाउन। यू शुड ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। मीन्स टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, इसका क्या मीन्स है? टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। तो इसका जो होता है मीनिंग वो होता है डिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी, डिपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ऑब्लिगेटरी मीन्स, ऑब्लिगेटरी का मीन्स क्या होता है? तो इसका होता है 82 का है बी, रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या है? रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेटरी का मीन्स क्या है? रिक्वायर्ड। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डॉट हिज सक्सेस, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या फॉर आएगा। तो 83 का है ऑप्शन नंबर सी, ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो ही वर्क हार्ड स्टिल ही फेल्ड, या आएगा तो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, या सी ऑप्शन, सिंस ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, या ऑप्शन डी, तो ही वर्क हार्ड स्टिल ही पास्ट। इसमें राइट जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। क्लियर?
करेक्ट सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट है शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, या फिर शी कुड नॉट हेल्प लाफ, या फिर शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, या फिर बट लाफिंग। तो 85 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 86, एक्सोडस मीन्स, एक्सोडस का मीन्स क्या है? तो 86 का है ऑप्शन नंबर ए, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। ठीक, एक्सोडस का मीन्स है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई लेफ्ट कॉलेज। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट फ्रॉम आई लेफ्ट कॉलेज, या फिर सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, या फिर लास्ट आई लेफ्ट कॉलेज, या फिर जस्ट आई लेफ्ट कॉलेज। तो 87 का है ऑप्शन नंबर बी, सिंस। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस आई लेफ्ट कॉलेज। नेक्स्ट है यू कम टू द पार्टी वॉन्ट यू। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टैग से है, एक यूनिट है इंग्लिश में क्वेश्चन टैग, तो उससे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जो वॉन्ट है, ये जो बनता है क्वेश्चन टैग, ये विल का बनता है। ठीक है, विल का बन जाता है वॉन्ट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आया हुआ है ये, राइट आंसर है बी, विल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 89, द टीचर आस्क्स द बॉयज टू द न्यू वर्ड। इसमें क्या आएगा, टेक डाउन, या टेक इन, या टेक ऑफ, या टेक सम। तो इनमें जो राइट आंसर है 89 का वो है ए, टेक डाउन। ठीक, द टीचर आस्क द बॉयज टू टेक डाउन द न्यू वर्ड। नेक्स्ट है Neither a lender, a borrower be. Neither a lender, देखिए neither का जो pair बनता है वो nor के साथ बनता है, आपने English में पढ़ा होगा, और एक आता है, एक होता है either. Either का जो pair होता है वो होता है or के साथ। ठीक है, तो neither का pair nor के साथ, either का pair or के साथ, तो इसमें जो right answer है वो है 90 का A, nor. ठीक है, Neither a lender nor a borrower be. Question number 91. Cars must stop at a red traffic light. Dot. Pedestrians must only cross when the light is red. तो इसमें जो right answer है cars वो हमारा है 91 का A. Similarly. ठीक है, Similarly. Cars must stop at a red traffic light. Similarly, pedestrians must only cross when the light is red. Clear? Question number 92. Green contains vitamin A. There is source of iron. 92 का है option number C, moreover. Green contains vitamin A. Moreover, they are rich source of iron. देखिए, मैं इसमें सिर्फ option बता रही हूँ, मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, या एक्सप्लेनेशन में इसका नहीं दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश, इंग्लिश में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, हालांकि हर यूनिट में आपका नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन एक बार को अगर आपने रीजनिंग का थोड़ा सेंस भी लगाया तो हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सेंस ही लगाना है, हो जाएगा। जबकि ये इंग्लिश का यूनिट ऐसा है, जब तक इसमें आपको नॉलेज नहीं होगी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कहाँ ऑफ आता है, कहाँ ऑन आता है, कहाँ विद आता है, कहाँ बाई आता है, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है, पेपर का पैटर्न पता चल रहा है, पेपर का लेवल पता चल रहा है। हालांकि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स है उसको मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन बताकर उसमें करवाया है सोल्व, जबकि इंग्लिश में मैंने ऐसा नहीं कराया है, क्योंकि इंग्लिश में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको प्रॉपर पढ़िए, प्रोपोजिशन, प्रेपोजिशन पढ़िए, कंजक्शन पढ़िए, टेंस पढ़िए,
और जो इडियम्स फ्रेज हैं उनको आप पढ़िए, जब तक आपको उनकी नॉलेज नहीं होगी आप इसको इस यूनिट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते और इसमें सेंस भी नहीं लगा सकते। अगर आपको पता है कि हाँ कहाँ ऑफ आएगा तभी आप ऑफ लगा आप वहां पर फील करिए, और नहीं पता है तो आप उसमें फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें नॉलेज होना आपका बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए प्रॉपर तरीके से। यहाँ आपको लेवल पता चल रहा है पेपर का। सॉल्व करते हैं चलिए क्वेश्चन अपना पेपर 93। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई मलेरिया इन विलेज, तो इसमें फ्रॉम आएगा, बाई आएगा, विद आएगा या फिर ऑफ आएगा। तो 93 का है ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। देखिए अब यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, अगर पढ़ा नहीं है तो, या फिर एक दो बार ही पढ़ा है तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई कुछ कोई लो तो फ्रॉम लगा देंगे, फ्रॉम फ्रॉम मलेरिया इन विलेजेस, बहुत सारे विद भी लगा देंगे, या जिसको पता होगा कि हाँ इस पर ऑफ आएगा वही ऑफ लगा सकता है। तो इसमें यहाँ पर आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 94। बिकॉज ऑफ हैवी रेन द मैच वॉज, इसमें क्या आएगा 94 में ऑप्शन नंबर सी, कॉल्ड ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, द ऑडियंस डॉट एट द एंड ऑफ द ड्रामा, इसमें क्या आएगा 95 में आएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्लॉडेड। ठीक है, अप्रिसिएटेड नहीं आएगा, प्रेज नहीं आएगा, एक्सप्लॉडेड नहीं आएगा, अप्लॉडेड, द ऑडियंस अप्लॉडेड एट द एंड ऑफ द ड्रामा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइजनर वॉज रिलीज ऑन प्रोबेशन या फिर बेल या फिर पैरोल या फिर गारंटी, तो गारंटी तो खैर नहीं होगा। तो इसमें है प्राइजनर वॉज रिलीज ऑन पैरोल फॉर गुड बिहेवियर। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, ही वॉज नॉट देयर, इसमें मी नहीं है। ठीक है, ये मी टाइपिंग मिस्टेक है, ही वॉज नॉट देयर, यहाँ पर एम हो सकता है, आई एम हिज ब्रदर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, मी नहीं है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 97 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 97 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। और 97 का है सिंस, ऑप्शन नंबर सी, सिंस ही वॉज नॉट देयर। क्लियर, नेक्स्ट है द पब्लिक आर कॉशन्ड पिक्ड पैक पॉकेट्स, तो 98 का है ऑप्शन नंबर सी, अगेंस्ट। ठीक है, द पब्लिक आर कॉशन्ड अगेंस्ट पिक्ड पिक पॉकेट्स। क्वेश्चन नंबर 99, राइट द एंटोनिम्स ऑफ लीजिबल, लीजिबल का जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा, तो है राइट आंसर इसका 99 का डी, इलिजिबल, लीजिबल का एंटोनिम्स इलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 100, ही इज अपोज्ड डॉट दिस प्रपोजल, तो 100 का है ऑप्शन नंबर बी, टू, ही इज प्रपोज टू हिज प्रपोजल। तो यहां पर हमारा 1920 का पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो करेंगे इसी ईयर का, इसी ईयर का मतलब 21st 22nd, ठीक है 2021, और ये 22nd, इसका पेपर हम सॉल्व करेंगे जो कि अभी पीछे हुआ था, और देखेंगे कि क्या ये 1920 का जो पेपर है इसी पैटर्न पे आया है या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो मेरी वीडियो आएंगी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिल जाए और आप उसको देख लें। ये पेपर करने के बाद में हम करेंगे 2020 21st का पेपर, ठीक है, जो कि इनके बीच में है, और फिर इसके बाद में हम 1920 का कर चुके हैं, फिर इसके बाद में हमारा आ जाएगा 1819 का। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे, फिर आ जाएगा हमारा 1718 का, फिर आ जाएगा हमारा 1617 का, और फिर
आ जाएगा 15, 16। और इसके पहले जो था पैटर्न अलग था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल अफेयर्स नहीं आता था, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आता था। तो हम कोशिश करेंगे ये पेपर अच्छे से करें कि उसमें आपको जो करंट अफेयर्स है और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी। और मैंने 1920 के पेपर में भी बहुत अच्छे से कराया है, हालांकि मैंने इंग्लिश को सिर्फ ऑप्शन ही बताए हैं, इसमें मैंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया है। जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरी वीडियो देखेंगे या फिर आप करंट एजुकेशनल अफेयर्स की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने उसका दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, स्टडी करिए अच्छे से। शुक्रिया।